रोहतक पुलिस के गिरफ्त में जिन तीन आरोपियों को आप देख रहे हैं, ये वो आरोपी हैं जो जेल में जमानत पर रिहा हुए हैं और फिर से जेल चले हैं। पुलिस ने शहर में हो रही लूट और वारदातों को खुलासा करते हुए इन तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एएसपी हेमेंद्र मीणा ने बताया है कि महज 20 जनवरी को किराने की दुकान पर एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें सोने की अंगूठी तथा चेन लूटी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में इनके चेहरे सामने आ गए थे, जिस आधार पर पुलिस की टीमों ने कार्रवाई करते हुए रोहतक के रहने वाले दीपांशु व जिंद जिले के रहने वाले अजय को पहले गिरफ्तार कर लिया था, जो कि 4 दिन के पुलिस रिमांड पर है। वहीं आज रोहतक जिले के रिठाल गांव के रहने वाले दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। ये गैंग बेसिकली स्नैचिंग करती थी, लूटपाट करती थी, हथियारों की दम पे इनका एक मॉडस ऑपरेंडी था। ये चोरी के वाहन इस वारदात के दौरान यूज करते थे और अपनी पहचान को छिपाने के लिए मास्क या हुड टाइप के कपड़े यूज करते थे। इससे पहले ये बहुत सारे मुकदमों में भी आरोपी रहे हैं, जैसे दीपांशु है, वो उस पर पहले से 6 मुकदमे लूटपाट और चोरी के अंकित हैं और अभी वो जमानत पर है। इसी प्रकार अजय है, उसके ऊपर भी 2 चोरी के और स्नैचिंग के मुकदमे दर्ज हैं। दीपक है, उसके ऊपर भी 302 का और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। जो भी वो भी अन्य अन्य जगह जैसे सोनीपत में, भिवानी में, झज्जर में, अलग अलग जगह वारदात कर रहे हैं। इनका एक मोटर सप्रेंडी ये भी था कि ये इसमें जो सुनील नाम का लड़का था, ये अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जगह पे कमरा लेता था, उसके बाद चेंज करता था, उस एरिया में घटना को अंजाम देते थे और उसके बाद वहाँ से रूम चेंज कर लेते थे। इस प्रकार से ये गैंग थी और इनकी मुलाकात सब की जेल के दौरान हुई थी और वो अब साथ मिलकर ये स्नैचिंग और लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसमें हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 को अभी पुलिस रिमांड पे हैं, 1 को कल पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। बाकी 4था जो आरोपी है उसके लिए, उसको पकड़ने के लिए प्रयास लगातार जारी है। ये 2 महीने से कमरा लेके वहाँ रह रहे थे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ आमजन से कि अपने किराएदार दुकान वाले हैं, वो अपने नौकर, उनका वेरिफिकेशन कराएं, जिससे कम से कम ये पता चल सके, ये एंश्योर हो सके कि कोई अपराधी तत्व या कोई असामाजिक तत्व उनके वहाँ नौकरी करके या किराएदारे के बहाने से कोई वारदात को अंजाम ना दे और हमारे रोहतक को हम सुरक्षित कर सके। रोहतक पुलिस ने लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल 1 सदस्य फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई वारदातों का खुलासा किया है। आरोपियों पर पहले ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्होंने जेल में ही ये गैंग बनाया था और जमानत पर बाहर आकर कई वारदातों को अंजाम दिया। 20 जनवरी को महम के किराना की दुकान में 4 युवकों ने लूटपाट की एक घटना को अंजाम दिया था। ये लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गई थी, जिसमें गन पॉइंट पर कैश, अंगूठी और सोने की चेन लूटी गई थी। उसी संबंध में पुलिस की कई टीमें आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी हुई थी, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी 1 आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।